नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में या कहने पर नाराज हो गए। उन्होंने वकील को डांटते हुए कहा, यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, ये क्या या लगा रखा है, मुझे इससे बहुत एलर्जी है, इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती, आप यस बोलिए। डांट सुनने के बाद वकील ने बताया कि वह पुणे का रहने वाला है। वह मराठी में दलीलें देने लगा। इस पर सीजेआई ने भी मराठी में ही उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल याचिका पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग को लेकर लगाई गई थी। सीजेआई चंद्रचूड़ ने वकील से केस के पूर्व सीजेआई का नाम हटाने का निर्देश दिया। पूर्व सीजेआई के खिलाफ याचिका मई 2018 में दायर की गई थी। इसमें कहा गया कि पूर्व सीजेआई गोगोई ने एक अवैध बयान के आधार पर श्रम कानूनों के तहत सेवा समाप्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। उनके फैसले में बड़ी गलतियां थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सही हो या गलत, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है, रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई है, अब आपको क्यूरेटिव दाखिल करना होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करना चाहते। सीजेआई ने यह भी साफ किया कि जब किसी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो मामले का फैसला सुनाने वाले हाई कोर्ट के जज को पार्टी नहीं बनाया जाता। जस्टिस गोगोई वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं। सुप्रीम कोर्ट में टॉप पोस्ट पर पहुंचने वाले वे पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति थे और उन्हें दशकों पुराने राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले पर फैसला सुनाने का श्रेय दिया जाता है। वे 17 नवंबर 2019 को सीजेआई के पद से रिटायर हुए थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी।